अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ ग्रेड वन की इंग्लिश यूनिट नंबर टू की एक्टिविटी। ओके, आज हम एक्टिविटी करेंगे। उस दिन मैंने आपसे वो लेसन किया था, आपको करवाया था, अब हम उसकी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे जी। तो अब हम रीड करते हैं। लर्निंग द साउंड, लेटर साउंड्स, मैच द पिक्चर विद द लेटर साउंड जी। यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी में पिक्चर्स दी हुई हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखें, सबसे पहली पिक्चर जो है वो एक एलिफेंट की है। सोप, एप्पल, वैन, अम्ब्रेला, जग। तो एलिफेंट को बोलते वक्त हमारे मुंह में जो साउंड आता है वो अ की, ए की साउंड आती है। तो ए की साउंड ई की है, तो ई को हम एलिफेंट के साथ मैच कर देंगे। इसी तरह सोप को बोलते वक्त हमारे मुंह में जो साउंड आता है वो स की है, तो स सोप, एस के साथ मैच कर देंगे। इसी तरह एप्पल को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में जो साउंड आता है वो ए का आता है, तो ए के साथ एप्पल को मैच कर देंगे। जे, ज, जट, वी, व, वैन, यू, अम्ब्रेला। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड इन अ वर्ड जी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें आपने देखना है कि हर लेटर जो है वो एक डिफरेंट साउंड दे रहा है। तो अब हम इसको रीड करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर क्या साउंड कर रहा है। फ, ए, न, फैन। ख, अ, प, खप। फ, ए, न, फिन। ब, ऑक्स, बॉक्स। न, एट, नेट। ख, एट, कैट। सही हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नीचे आप देखें तो यहाँ पर लिखा है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अच्छा, डायलॉग जो है वो होता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू एंड मोर पीपल कॉल्ड डायलॉग। जो डायलॉग होता है वो दो या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान जो गुफ्तगु होती है उसको डायलॉग बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो बच्चियाँ हैं। यहाँ पर फर्स्ट में जो है वो है अस्सलामु अलैकुम, आई एम मरियम, हाउ आर यू। ये कह रही हैं कि मैं मरियम हूँ, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, आई एम सारा, आई एम फाइन, थैंक यू। मैं सारा हूँ, थैंक यू जी। आई होप बच्चों आपको ये पेज जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा।